सीरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे पांच खुतबात कंप्लीट होए अल्लाह दी मेहरबानी नाल, और छेवां खुतबा आज जनाब दी खिदमत अंदर पेश कीता जा रहा है। अल्लाह तबारक व ताला दी हजूर दुआ है कि अल्लाह सोना सही सही कुरान पाक दे मफहूम नू सीरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। तवज्जो फरमाना, जिस तरह के जनाब दे इलम अंदर बात है कि बात बात इत्थों तक पहुँची सी कि सय्यदना यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्होंने जदों जुलेखा उदी खबासत का पता मिसर दियाँ कराड़ियाँ नू मिसर दियाँ उदियाँ हम नवाला हम प्याला औरतां नू खबर पहुँची, उन्होंने बड़ी बड़े ताने मारने शुरू किए। वेखो है जी, ये औरत अजीब है, एडे वड्डे मनसब और अहुदे ते हो के वजीर आजम की घरवाली हो के एक गुलाम नू बुराई वास्ते आमादा, गुलाम नू अपने पिछे लाण दी फिसलान और फुसलान की कोशिश कर दी है, बहलाने की कोशिश कर रही है, फिसलाने की कोशिश कर रही है, कोई अपने जोड़दा लभ दी। असल मैं दस ए रहा सा रबत जोड़न वास्ते, मैं एक दो बातें जरूर करता हूं, दस ए रहा सा कि जनाब उन्होंने ये नहीं आख्या कि ये मोहब्बत गैर ये अंदर ये बुराई है, ये बुरा फेल करन दी बुराई है, फेले बद दी बुराई बयान नहीं कीती, उदी बुराई ते जोर नहीं दिता, क्यों जो वो औरतां इस बात का सबूत है कि उन्होंने अंदर नफसे जिना जैसी बुराई मुसलमा सी। इस वास्ते वो एहो जे काम दियाँ हैं जी आदि सन, और जनाब एहो जी बुराई दियाँ वो जनाब पूरे जोर शोर नाल, और इस जुलेखा दे उन्हां लफ्जा तो भी पता चलेगा जदों उन्हां दी दावत पकाई ना, दावत तो बाद फिर उन्होंने हाथ कट लै, अगे बयान हो रहा अज उन्हां दावत खाण वालियां ने अपनियां अंगलियां कट लईयां, ते फिर उत्थे बोली जिहड़े उहदे बोल ने ना वह भी दसदे ने कि यह भी बुरी जुलेखा में गंदी जलीखा या जुलेखा लफज तरफज है ना, कोई ना कोई ना है, ना किधर हदीस चो नहीं मिलता, कुरान चो नहीं मिलता, इमरातुल अजीज आख्या गया कुरान च, अगे मैं एक जगह बयान कर चुकिया। तो लिहाजा वो जुलेखा भी गंदी और ओदियाँ सेलना बेलना भी गंदियाँ, बुराई दियाँ घातना पूरा गैंगे, गल समझ आई? इधर वेखना जरा, अल्लाह अकबर अल्लाह, गल इथों तक जा रही सी कि وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز उन औरतों ने आख्या ये अपने गुलाम ते तो नफसी अपने गुलाम ते डुल गई, गुलाम नू अपने पिछे लाण दी कोशिश की, गुलाम ते मरदी पई है, कद शगफा हुब्बा ओदी मोहब्बत दे ते गालिब आ गई है, अगो कहदियां की ने इन्ना लनवा कहदिया ने असी इस जुलेखा नू रस्ते तो भटकी हुई वेख रही हां, इतने बड़ी नादान ते बेवाकूफ ते पागल औरत है जड़ी गुलाम ते ही डुल गई, गुलाम ते मर्दी पई है। हुण जनाब जदो इन्हां दा शोर इन्हां दियां गल्लां जुलेखा ने सुनिया, कुरान कहिंदा है फलम्मा समीअत बिमकरिहिन्न अरसलत इलैहिन्न
ਇਹਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਫਰੇਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ ਯਾਨੀ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਆਖਿਆ ਫਰੇਬ ਆਖਿਆ ਯਾਨੀ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲਣਾ ਬੇਲਣਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣੇ ਔਰ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਇਹਨੇ ਜਨਾਬ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਦਾਵਤਨਾਮਾ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ ਏ ਔਰ ਸਲਤ ਇਲੈਹਿਨ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً اور جدو انہاں نوں دعوت دا پیغام بھیجیا تکیے لگا دیتے کھانے سجا دیتے ایک مجلس یعنی دعوت والی مجلس تے محفل بابا کی دیئے وَآتَتْ كل واحدة منهن سكينا کلی کلی دے ہاتھ اندر چھریاں پکڑا دیتیاں گئیاں جدوں سامنے فروٹ کھانے سجا دیتے گئے فروٹ سامنے رکھ دیتے گئے چھریاں کانٹے پکڑا دیتے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نو آکھیا کہندی ہے وقالت اخرج علیہن یوسف نکل ذرا انہاں دے سامنے دی تے گزر ایک ویری وکھالی تے دے حضرت یوسف علیہ السلام تے اگے بڑے تنگ سن انہاں دے فراڈ تے مکر فریب تو لیکن غلامی دی زندگی ہے ہاں جی اور اگو انہاں نوں حکم مننا پیا اپنی مالکا دا آرڈر مننا پیا جڑا منن والا ہو منیا جڑا نہ منن والا ہو نہیں منیا کیوں جی اے نکلے حضرت حضرت یوسف علیہ السلام انہاں دے کہن تے نکلے جو ہی انہاں دیاں نظراں پئیاں خطیب پاکستان شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمت اللہ علیہ جی جی فرمان لگے بس ویکھ دی آئی مصر دیاں کراڑیاں برل گئیاں برل گئیاں سین وینیاں ہو گئیاں اپنی اپنی زبان ہے نا ہاں جی برل گئیاں اولا دا دماغ معروف ہو گیا اور ویکھیا حضرت یوسف علیہ السلام نو تے فوراً بولیاں قرآن کہہ رہے ہیں فلما رأینہ اکبرنہ وقت دعنا ایدیہن فرمایا ویکھ دے ہی کہہ دیا نے اللہ اکبر اکبر نہ ہو اللہ اکبر جناب جو ہی ویکھیا ویکھ دے ہی کہہ دیا نے اللہ اکبر اور بس اتنی بات آکی انہاں نوں پتہ ہی نہ چلیا فروٹ کٹ رہیاں نے بس ویکھ دیاں تے ویکھ دیاں ویکھ دیاں ہی رہ گئیاں وَقَطَّعْنَا وَقَطَّعْنَا اَيْدِيَهُنَّ انہاں نے اپنے ہاتھ کٹ لے وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ اسے ویلے کہندیاں نے کہندیاں نے پاکی اللہ واسطے پاکی اللہ واسطے سبحان اللہ بھی یہ دمانہ بندا ہے حاشا للہ اگے کہندیاں نے ما بشر اے بشر ہے ہی نہیں اے بشر نہیں انسان ہوندا تے ساڈے والا اکھاں پاڑ پاڑ کے تکدا رہا انہاں دیاں نظراں چ انسان ہوئی ہے انہاں نوں اے نہیں پتا کہ اے بشر اے ہوئی تے بشر ہے اے ہوئی تے انسان دی صفت ہے جڑے اللہ والے ہویا کردے نے انہاں دی اے ہوئی صفت ہوندی ہے لیکن انہاں نے اے ہو جا انسان اصل چ ویکھیا نہیں انہاں نے اے ہو جا انسان
अजे तक वेखिया नहीं सी जिंदगी अंदर, सारे ही औरतां बन्ने वेख के दीदे पाड़ पाड़ करके वेखण वाले, औरतां दी इज्जतां नूं तकने वाले, इहो जे उन्होंने वेखे हमेशा। लेकिन इहो जिहा जिहड़ा सही माने अज बशर सी, अल्लाह वाला इंसान अज तक वेखिया भी नहीं। इसे वास्ते उन्होंने इनकार किया बशरीयत का। और कहदियां की ने, कहदियां ने उस वेले बोलियां, कहदियां ने मां नाफिया बशावा, ये बशर है ही नहीं, इन हाजा इल्ला मलकुल करीम। कुरान है कुरान। कहंदियां ने ते फरिश्ता है, ते फरिश्ता भी बड़ा कोई बुजुर्ग तरीन फरिश्ता, आम फरिश्ता नहीं। हालांकि ये नहीं किधरे भी लिखिया कि फरिश्तियां नू अल्लाह ने इंसान नालों सोहना बनाया, नहीं, फरिश्तियां नू इंसान नालों सोहना नहीं बनाया, अल्लाह ने इंसान नू सोहना बनाया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दा मफहूम है, आका फरमाते ने फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मस्जूदे मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो। जी फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। छोटे छोटे बच्चे ने मेरे बात याद है अल्लाह, लेकिन हर दौर की यह मुसीबत है कि गंदे लोगों ने नेक लोगों नू फरिश्तियां नाल तशबीह दित्ती, कि नेक लोग फरिश्तियां जैसी सीरत लिखण वाले रखण वाले, जिन्हां च को गुनाह की गल नहीं, गुनाह नहीं, कोदर गुनाह की तरफ मायल होना नहीं। इस वास्ते उन्होंने हाँ जी कह दिता कि फरिश्ता है, अगर इंसान हुंदा उन्होंने इहो जिहा इंसान वेख्या नहीं सी ते साडे वल जरूर वेखदा, जरूर तवज्जो करदा, इन्हें इधर ध्यान ही नहीं किया, इन्हें इधर वेखिया ही नहीं। इस वास्ते कहन लग गईयां, कहंदियां ने हाँ जी अल्लाह अल्लाह अकबर, कहंदियां ने पाकी अल्लाह वास्ते, वकुल हाशा लिल्लाह बशरा इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। फरिश्ता भी बड़ा मुकर्रब तरीन फरिश्ता है, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह, मुकर्रब तरीन फरिश्ता हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे। इत्थे हुस्न दी भी बात है, सही मुस्लिम शरीफ दी हदीस है, प्यारे नबी सही बुखारी शरीफ दोनों किताबों च मौजूद है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू निसफ हुसन अता फरमाया गया, यानी शतरल हुसन दे लफज ने, या ते दा दूसरा माना बनेगा, हुसन दा बहुत बड़ा हिस्सा अता फरमाया गया। अगर अद्धा हुसन मुराद होएगा, निसफ दा तर्जमा करोगे ते माना इंज बनेगा, उस जमाने दे इतबार नाल बाकी लोगों नू निसफ हुसन अता फरमाया गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू उस जमाने दे इतबार नाल निसफ हुसन अता फरमाया गया। पूरी कायनात क्यों नहीं, ए गल ज़हन च रखनी है। जी जी जी, ये देखो ते सही गौर ते करो ना, नाल प्यारे महबूब जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हुसन दी झलक नाल नाल बयान होवे। हुस्ने यूसुफ पे कटी मिसर में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दे जवान। दूसरी जगह ते किसे अल्लाह वाले आखे, हुस्ने यूसुफ
दमे ईसा यद बैजादारी आज खूबा हमादारंग तू तिन्हादारी। हर नबी दियां खूबियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सारे अंबिया सोने हसीन आज खूबा हमादारंग सारे दे सारे अपनिया अपनिया सिफतां ते खूबियां रखते ने लेकिन तू तिन्हादारी सारे जहान दिया खूबियां च सोने तू कल्ला ही है। सुभान अल्लाह जी 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 किसी होर अल्लाह वाले ने कमाल कर दिती कहंदा रुखे मुस्तफा है वो आईना अब ऐसा दूसरा आईना रुखे मुस्तफा है वो आईना अब ऐसा दूसरा आईना न किसी की बज़्म ख्याल में न निगाहे आईना साज में इतने सोने मेरे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एमें तेरी पिछले जुमे ते गल चल रही सी महाराज इशारा किया कि अगला जुमा तो शुरू होएगा इन हाजा इल्ला मलकुल करीम। एदी वजाहत अल्लर मेरे उस्ताद जी बोले मैं कलाम अर्ज कर रहा सा हूं रबत जुड़ जाएगा पुछ अम्मी आयशा सिद्दीका तो पुछ पुछ अम्मी अम्मी आयशा सिद्दीका तो गल्ला पाक मुहम्मद प्यार दिया पुछ पुछ अम्मी आयशा सिद्दीका तो गल्ला पाक मुहम्मद प्यार दिया मुख पाक मुहम्मद दा चमकदा है मुख पाक मुहम्मद दा चमकदा है या बिजलिया ले लिशकार दिया पुछ अम्मी आयशा सिद्दीका तो गल्ला पाक मुहम्मद प्यार दिया जो जुलेखा नू करन मलामत गईया जो जुलेखा नू करन मलामत गईया उन्हें अपनी अंगलियां काट लिया जो जुलेखा नू करन मलामत गईया उन्हें अपनी अंगलियां काट लिया जे ओ वेदिया मेरे मुहम्मद नू सल्लल्लाहो कह दो जे ओ वेदिया जे जे ओ वेदिया मेरे मुहम्मद जिगरा विच चुरियां उतार दिया पुछ अम्मी 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 आयशा तो गल्ला पाक मुहम्मद दे प्यार दिया ते बाबा जी समसामिये ते सापां देने क्या बात फरमान देने सोहना नबी दा चेहरा चौदवी दे चंद वांगू कालियां जुल्फा लटकल रेशमी कमंद वांगू सोना नबी दा चेहरा मूसे मिठास वाला आसिया दियास वाला कमाल बाबा ते अखीर कर देंदा सी ना यजदानी रहमतुल्लाह अलैह फरमान देंदे सन मेरे बाबा जी आंदे ने उन्होंने कदी ना ही नहीं लिया सी बाबा शमशान अल्लाह अकबर सोना नबी दा चेहरा सोना 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 नबी दा चेहरा चौदवीं दे चंद वांगू कालियां जुल्फा लटकन रेशमी कमंद वांगू सोना नबी दा चेहरा मूसी मिठास वाला आसिया दियास वाला हुसल दी प्यास वाला शरबत सी खंड वांगू सोना नबी दा चेहरा नक तलवार सोना रुखसार गुलनार सोना
नक तलवार सोना रुखसार गुलनार सोना मोती दी ताकत की है चमके जो दंद वांगू सोना डबी दा चेहरा लबा कटाइया खोइया नाल मिलाइया खोइया लबा कटाइया होया नाल मिलाइया होया लम्मी ते बारी दाड़ी लम्मी ते बारी दाड़ी दादे पबंद वांगू सोना नबी दा चेहरा जस हस हाँ जी इधर वेखो आनो ते शानो सोना सारे जहानो सोना खीर करती बब आनो ते शानो सोना सारे जहानो सोना किसने वरफा ना पाया रुतबा बुलंद वांगू सोना नबी दा चेहरा अगली गल सुनो हसबो ते नसबो सोना वसबो ते कसबो सोना वसेब पुराने लोग जानते ने वसेब चंगा सी हसबो ते नसबो सोना वसबो ते कसबो सोना ताइयो समसाम लब्बे चीज पसंद वांगू सोना नबी दा चेहरा ओ जड़िया गुलाम गुलाम ते जुलेखा नू ताने देन वालिया हुण कहदियां पईयां ने मैला कुल करी फरिश्ता ते फरिश्ता भी बड़ा बुजुर्ग तरीन फरिश्ता हुण इह कहदियां पईयां ने अल्लाह अकबर अल्लाह इतनी गल जदों इन्हां दी बेखुदी दा आलम जुलेखा ने वेख्या ते होर चौड़ी हो गई होर चौड़ी हो गई क्या जी गलत है ना अपनी बुराई ते होर ढीठ हो गई बिशर्मी दा इजहार कर दिए ला माड़ी जी को गलती दे उते माड़ा जे शर्मिंदगी वाली बात नहीं ते एहो जी गंदी एहो जी जमाने दी फाहशा एहो जी गंदी औरत दा कई जाहिल लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नाल निकाह पढ़वाई जांदे ने निकाह भी पढ़वाई जांदे ने ते बच्चे भी उन्हां च होई जांदे ने ते निकाह हो गया जी अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह ए नबी दी तौहीन है एहो जी औरत नबी दी अहलिया नबी दी घरवाली बन सकदी आजाद करांगे इंशाल्लाह है जी अच्छे तरीके नाल अलगरद मैं ते दस रहा जा जनाब तवज्जो ते फरमाओ ना दरा है जी जनाब इत्थे इन्नी बात वेखी ते मंजर वेखने दे बाद ए होरे नू हौसला मिल गया अपनी बेशर्मी ते दोबारा इजहार कर दिए कहंदी कि ए जुलेखा इतनी गल वेख के आख दिए فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਲਾਮਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸੋ ए कोई इतना सोना जिन वेखने दे बाद बंदा दिल और जान हार बैंदा है इतना सोना ते तुसी गुलाम गुलाम दे ताने दे दिया सो हुण तुहाडा की हाल हो गया है हाथ कटा लैने खून चलते पै ने ते जुलेखा बड़ी दबंग अंदाज नाल आखदी पई है कहंदी है फज़ालिका लुमतुन जेदे बारे च मैनू तुसी मलामत कर दिया सो ताने दे दिया सो हुण वेखो जदों इहदी गल जरा पक्की हो गई ना हुण फिर अपने उस बुराई दे इरादे नूं फिर दोहरांदी टली नहीं हालांकि कोई बंदा पावर आला हुंदा मैं दस्सिया कि उत्थे पहली वारी है जी उहदा हिसाब लाया हुंदा उहदी है लिटरेशन कीती हुंदी ते दोबारा ते इहो जी जुरत ना करदी लेकिन इहनूं परवाह ही नहीं क्योंकि उहदी जुरत ही नहीं बंदा ऐसा सी जिन्हू की कहंदे हो रन मुरीद है जी बड़ा मशहूर है ये मकूला ऐसा ऐसा बीवी दे अखे जी बीवी दे थले लगा थले लगना है जी तुसी कित्थे लग सकते हो है जी ए थले लगना है जिहड़ा ए लग्या जी जे में सर वेखो नाले कही जांदा है वस्तगफिरी लिदंबी की इन्ना की कुंती मिनल खातीन ओ तू गंदी है तू गुनाहगार है
ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂਸਫ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਦੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਨੇ ਤੇ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਛੁਪੀ ਕਦੋਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਿਕਲਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮਿਸਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਰਾੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮ ਪੱਲਾ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਨੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਦਾਵਤ ਬਗਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦਾਵਤ ਖਾਂਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਜ਼ਾਲਿਕੁੰਡਲਜ਼ੀ ਲੁਮਤੁਲਨੀ ਫੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਐਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਪ ਕੀਤਾ ਐਤ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਜੁਮਲੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ لَا ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਬਹਿਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਫਿਸਲਾਇਆ, ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਰਾਗਬ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਇਹ ਬਚਦਾ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬਚਦਾ ਗਿਆ, ਬਚਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਬਚਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚਦਾ ਹੀ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਲਕਦ ਹੰਮਤ ਬਿਹੀ ਵਹੰਮਾ ਬਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਗਿਆ ਤਰਜਮਾ, ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਯੂਸਫ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਕਿਵੇਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਦਾ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਯੂਸਫ ਨੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ, ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਯੂਸਫ ਇਨਕਾਰ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿ। ਜੇ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਵੀਰ ਗੌਰ ਫਰਮਾਣਾ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ ਨਾ ਇਹਨੇ ਹੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਤੀ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਤਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵਲਾ ਇਲਮ ਯਫਅਲ ਮਾ ਅਮਰੁਹੁ ਲਾ ਯੁਸਜਨਨ ਵਲਾ ਯਕੂਨਨ ਮਿਨ ਅਸਾਗਿਰੀਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਣ ਲਵੇ ਯੂਸਫ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣੀ ਹਾਂ, ਲਇਲਮ ਯਫਅਲ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਲਯੁਸਜਨਨ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੜੇਗਾ, ਵਲਾ ਯਕੂਨਮ ਮਿਨ ਅਸਾਗਿਰੀਨ, ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖਸਾਰਾ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਉਠਾਉਣਾ ਪੜੇਗੀ। ਆਹ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਕੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰੋੜੋਂ ਬਦਕਾਰਾ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਬਾਲਿਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜੇਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਮਗਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਔਰ ਰੁਸਵਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ੁਲੈਖਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਸਵਾ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਜੋੜ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ?
इज्जतां होर किधरों लभदा फिरना है मेरे प्यारे वीर। इज्जतां देण वाला अल्लाह अल्लाह ही कल्ला है जिहड़ा इज्जतां देण वाला है। ये कहंदी इहनूं बेइज्जती करवानी होएगी, अपनी रसवाई इहनूं कराना होएगी। लेकिन वेखो इन्नियां गल्लां सुनने दे बाद सय्यदीना हजरत यूसुफ अलैहि सलाम बोले कहंदे ने قال رب السجن احب الى مما يدعونني اليه। अल्लाह एदे नालों ते मैनू जेल चंगी है, जेल बर्दाश्त कर लवांगा, मगर बुराई वाली बात ये मैं ते नहीं करने वास्ते तैयार। अल्लाह जिस बात की दावत ये दे दिया ने, मतलब रल गई ना सारियां, और रल गई सारियां सारे जहान दे जनाब जतन इन्होंने ला छड़े, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन्हां दे इतने सख्त रिमार्क्स बयान करने तो बाद प्यारे यूसुफ बोले कहने मेरे अल्लाह सोनिया इस जेल दिया रब्बा जेल दिया मालका जेलां तेरिया ने बनाइया तू ने, अल्लाह जेलां च लण वाला जेलां चो कढ़ण वाला तू कल्ला है, कल्ला अल्लाह कल्ला ही है। जी जी कहंदे ने قال يا رب السجن احب الي مما يدعونني الي। वाह कुरान, अच्छा तेरा अंदाज ही अनोखा है। कहंदे ने अल्लाह सोनिया जेल चंगी है, मगर उस चीज नालों जेड़ी चीज दी तरफ ए मैनू बुला रही ने, अल्लाह मैनू जेल जाना पसंद है, मगर ए काम मेरे बारे नहीं है। अगे अल्लाह को दुआ करते ने, कहने अल्लाह सोनिया अगर तू मेरी मदद ना कीती ते मैं इधर मायल हो जाऊंगा। इंसान है ना, इंसान बशरी कमजोरी ते दुआ करते पै ने, अल्लाह को दुआ भी मंगते पै ने, कोशिशां पूरियां कीतियां, जतन पूरे लाए, असबाब पूरे अपनाए बुराई तो बचण वास्ते, ते हुण दुआ अल्लाह को करते पे ने, अल्लाह जान नहीं छुटदी पई इन्हां तो जान नहीं छुटदी। अल्लाह मैनू ते जेल जाना पसंद है, मगर ये जड़ी बात दी दावत देंदियां ने अल्लाह ये मैं नहीं कर सकदा। अल्लाह सोनिया वह इला तस्रिफ अन्नी कैदा गुन अस्बु इलैहि वाकुम वाकुम मिनल जाहिलीन। कहंदे ने अल्लाह सोनिया जे तू मेरी मदद ना कीती ते मैं बुराई च बनस जाऊंगा, इन्हां दी तरफ मैं मायल हो जाऊंगा। अगर इंज हो गया ते मैं ते नादाना विचों हो गया, फिर अकल ते मेरी रही कोई नहीं, मैं ते जनाब हैं जी नादान लोगां दे विचों बेसमझ लोगां चो हो गया, ये जाहिल लोगां दा काम है। अल्लाह सुनिया अल्लाह जी बस इधरों दुआ हो गई, उधरों अरशा तो दुआ दी कबूल यदी सदा हो गई। जो कहते ना मुख्तसर मफहूम यह है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते पे ने ये कफ्स मुझे अजीज है, मैं जी तो लूंगा करार से, ये कफ्स पिंजरा कैद खाना, ये कफ्स मुझे अजीज गए, मैं जी तो लूंगा करार से, मुझे अब चमन ला ले चलो, मैं डरा हुआ हूं बहार से। ये मतलब है दुआ कर दे रे, इधरों दुआ कबूल हो गई, अर्शा तो आवाज आई फस्तजब लहू रब्बुहू फसवफ अन
बस अल्लाह करीम ने दुआ कबूल फरमा ली। अल्लाह ने ना औरतां तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू बचा लिया, अल्लाह दे नबी नू बचा लिया, ऐसा बचाया दुआ इंज दी कबूल हुई। दोबारा पूरी जिंदगी जिदा कोई वाकया ही पेश नहीं आया, इंज कबूल हुई दुआ। सुभान अल्लाह, आखर ते जुमला बोल देने इन्नहू वस्समीउल अलीम। अल्लाह तो सुनने वाला भी है, दिल दे इरादे जानने वाला भी है। अल्लाह बचा ले। ये सारिया गल्लां वाजे होण दे बावजूद वजात हो गई, निखारे हो गए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दी पाकिजगी तहारत बयान तहारत ये सारे दा सारा कुछ हो चुकिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मासीयत दा मुकाबला मुसीबत नाल कर लिया, जेल वाली मुसीबत शाही महलात नू छड़ गए, जेल मंग लई मुसीबत नाल, मासीयत दा मुकाबला मुसीबत नाल कीता है। एले ईमान दा शेवा है या फिर ईमान दी बुलंदी दा तकाजा है ना, लिहाजा फिर तौफीक भी रब को लई मंगदे पे ने। कहने वगर ना बशरी कमजोरी, इंसान बशरीयत दे तकाजे नाल कमजोर है। ये ते इंजिए ना जिस तरीके नाल असूल है ना, जड़ा ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। असूल ये अंदर जड़ा राज मुजमिल पुशीदा है, ये अंदर जड़ा सबक सिखाया गया है, ये ओहो ही तर्जमा बनता है जड़ा इंसान दे शजरे ईमानी नू ए जड़ा गोरे अल्लाह को दुआ करना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। अल्लाह नेकियां करन दी ताकत नहीं है, अल्लाह गुनाह तो फिरने दी मेरे अंदर ताकत नहीं, इल्ला बिल्ला। मगर अल्लाह तेरी मदद, तेरी मदद तो बगैर मैं गुलामत नहीं बच सकता है जी। ये ओ असूल है जेड़ा इंसान दे शजरे ईमानी नू ईमान ते शजरे ईमानी दी शादमानी और सरसब्जी वास्ते पानी दा दर्जा रखता है। बस जदों सारा कुछ वाजे हो चुकिया तो ये बावजूद अपनी बीवी नू बेइज्जती तो बचाने वास्ते कि मेरी बीवी दी इंसल्ट ना होवे ते अजीज़े मिस्र ने वजीर आजम ने हुक्म दे दिता है कि लयस्जुनन्नहू ते बस उन्हां नू कैद कर दिता गया मुद्दत तक जेल अंदर रहे। वेखदियां जाना अल्लाह करीम ने किवें बचाया है। दुआ जो कबूल हो गई तासीर ऐसी के फिर जिंदगी दे अंदर बस अल्लाह ने बचाया ही बचाया है। इहो जिहा मौका ही कोई पेश नहीं आया। अल्लाह अकबर। अज़ीज़े मिस्र दी घरवाली ज़ुलैखा जिन्हों आख्या जाता है इमरातुल अजीज भी भूल गई, मिस्र की औरतें भी भूल गई। वाह 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 मेरे अल्लाह तेरा कितना एहसान है कि तू तकवे वाले नू फता ता फरमाइए। अल्लाहु अकबर। अल्लाह साबित होया जेड़ा बुराई तो बचना चाहे अल्लाह नू बचा ही लेंदा है।
बचन का इरादा तो कर, बचन वास्ते कोशिश तो कर ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू जेल अंदर भेजा जा रहा है, बेकसूर नू सिर्फ अपनी बीवी दी रसवाई नू बचाने वास्ते जेल अंदर भेजने का हुक्म दे दिता गया। मुफस्सर कुरान हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जिक्र यूसुफ करते सन, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया करते सन, करद्या करद्या बयान करद्या करद्या जदों इत्थे पहुँचते कि बेगुनाह यूसुफ जेल दियां सलाखां दे पिछे भेजा जा रहा है, इत्थे पहुंचदे ते बेसाखता रोण लग जांदे, अखां चों आंसू बह निकलदे, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रोंदे रह जांदे। हुण वेखो कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं मिस्री सिपाहियां दी निगरानी दे अंदर जेल दी तरफ ले जाया जा रहा है, रवाना किया गया है। वेखने वाले हजूम सी अवाम आप दी प्यारे यूसुफ दी बेमजलूमियत और मासूमियत नू वेख करके बस ना जबत ना कर सके, किसी अल्लाह वाले आखे रो दिए छोटे बड़े पीरो जवां, रो दिए छोटे बड़े सब पीरो जवां, बंद गई मखलूक भर की हिचकियां, मच गया कोहराम इस बाजार में, देखा जब यूसुफ को इस आजार में, इस हालत अंदर इस तकलीफ अंदर यूसुफ नु वेखे ते सारे रो रो करके निढाल हो गए। बस जेल अंदर यूसुफ नु भेज दिता गया है। प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम दे बारे अंदर कुरान कहता है حين مدة تک جیل اندر رہے ودخل معه السجن فتيان دو جوان حضرت یوسف علیہ السلام دے نال جیل وچ داخل ہوئے आते ना इधरों कैदी आ गए इधरों आ गए जेल जा रहे हैं ठीक है। दो नौजवान होर दाखिल हुए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा कैदियां नाल हुस्ने सलूक वे करके खिदमत खलक वे करके लोग हैरान रह गए। इतना बेमिसाल इतना प्यारा कैदी आ गया है जेड़ा हमदर्दियां करने वाला, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दे हुस्ने अखलाक नाल हुस्ने सलूक नाल कैदियां नाल और मखलूक के खुदा नाल खिदमत खलक दे जज्बे दी वजह करके इन्होंने लोगों के दिल ही जीत लै दिल जित चुके ने। और लोग की कहते अल्लाह अकबर अल्लाह नेड़े खुंदे ने इधरों कैदी आ गए इधरों आ गए इधरों आ गए। लोग वेख के कहंदे की ने, कहंदे ने सुनिया तेरा नाम की है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। फरमांदे ने जेड़ा बंदा जेल में आ जावे ओदा नाम ही कैदी ही बन जांदा है, बस एहो ही मेरा नाम है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहंदे ने मेरा नाम भी कैदी हो सकता है, होर ना ते हुंदा ही कोई नहीं। जी जी लोग कहन लगे मा अहसन वजूहुका व अहसन खुलूकुका, कहंदे ने इतना सोना ते इतना सियाणा, इतने सोने मुखड़े वाला इतने प्यारे किरदार वाला, जेदा अखलाक भी चंगा जेदी सूरत भी चंगी जेदी सीरत भी चंगी, एडा सोना कहंदे ने इतना चंगा है अल्लाह वालिया, दस जुर्म केड़ा कीता ई
जुर्म किस जुर्म दी पदाश अंदर जेल अंदर आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, चुप हो गए। जुर्म कोई कीता होवे ते दसा, इतिहास दांदे हसद दी वजह करके बेगुनाह यूसुफ नू जेल जाना पिया। अलगर्द हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इंजी जेल दे अंदर, इन्हां नू जनाब ख्वाब आया है। ख्वाब दी तबीर पुछदे ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू, लेकिन कमाल दर्जे नाल इस दी ख्वाब कहंदे ने जी, एक साढ़े चो जनाब शराब न छोड़े आए, दूसरा नान बाई है, उन्हें सर ते रोटियां रखी हुई ने ते परिंदे उजग रहे ने। यानी ओदे चो उचक रहे ने परिंदे, नबी नबी तावीली, सानू ताबीर दस, ख्वाब दी ताबीर दे नाल कह दे, इन्ना नराका मिनल मुहसिनी, कहंदे ने असी तैनू बड़ा ही नेक वेखने, बहुत चंगा बंदा लगना है, क्यों जी बड़ा ही अच्छा नेक आदमी लगना है, सानू साढ़े ख्वाब की ताबीर दस। हुण वेखो जरा मेरे खिताब की आखिरी आयत सुन लो। आह अल्लाह अकबर, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वेखो ख्वाब की ताबीर दसन लगे ने, खतीब सन, खतीब एहो जिहा खतीब हुंदा है, ते कहंदे की ने, قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، कहंदे ने बस ए जड़ा तुहाडा खाना आन वाला है, तुहाडे खाने आन तो पहले पहले मैं ख्वाब दी तबीर दस देंगा। यानी ये ना होवे अल्लाह दे वली सन मौलाना इब्राहिम खादिम कसूरी कंगनपुरी, मैनू याद आ गया, इत्थे रात दे डेढ़ बजे तो बाद मैनू टाइम मिलिया, मेरे तो बाद वड्डा जलसा सी, हालांकि कराची दे लोग 12 बजे तो बाद उत्थे बैठते नहीं गे, लेकिन अल्लाह सोने का इनाम होवे जो अल्लाह की तरफ सवलियां होन, तो फिर बलियां ही बलियां बलियां। डेढ़ बजे मैनू टाइम मिलिया, डेढ़ बजे तो 2-3-4 मिनट उत्ते ही हो गए सन, तो मैं मजमे नू आख्या, मैं आख्या अजे तक तो टाइम ही कोई नहीं होया यार, तुसी ते इंज बैठे हो जिवें जलसा होने ही शुरू हुंदा पिया, लोग इधर उधर फिरदे भी आ गए ना सारे, मजमा बहुत बड़ा इजतमा सी बाहर खुले पार्क अंदर। तो जनाब मेरे तो बाद मौलाना मुहम्मद इब्राहिम, प्रोफेसर मुहम्मद इब्राहिम खादिम कसूरी कंगनपुरी रहमतुल्ला अलैह सन, लो जी उन्हां नूं मैं थोड़ा जिहा 20 मिनट मैं बयान किया, मैं आख्या हुण अलामा साहब बयान करनगे खुल के, ते दिल ला के सुनो, मैं पूरी तमीद बन्नी हजरत, पूरे दा पूरा पेड़ बन्निया, ते बन के तैयार करके बंदियां नूं संगल मार के दे दिते, उन्होंने एक जुमला बोलिया, देखो खतीब दे बस एक जुमले नाल ही सारा मजमा उजड़ जाता है, तो एक जुमले नाल ही बच जाते हैं मजमे, ये खिताबत के असूल होंगे ने कुछ, एक जुमला बोलिया इंज बहते ना सलाम दुआ तो पहले, कहते ने दो बज चुके हैं, लो ए जुमला बोलिया तो बंदे सारे पिंडाल चो बाहर 10-15 बंदियां उन्हें तकरीर थोड़ी जी की 10-20 मिनट, तो बंदे ही सारे चले गए, तो तकरीर कितने रहनी। यानी ए वेखो मैं खतीब लोगों तालिब इलमान जेड़े आइंदा तो खतीब बनगे अलहमदुलिल्लाह स्टेज पर आएंगे बयान करेंगे, उन्हां वास्ते मैं फार्मूला असूल दसदा पिया, ये खिताबत के असूलों चो असूल है कि मजमे को अपनी तरफ तवज्जो रखना और उन्हां दी तवज्जो मबजूल करने वास्ते उन्होंने महसूस होवे कि खतीब बंद करूए, तकरीर हुण भी बंद करता पिया, ये तकरीर हुण भी इन्हें बंद की खतीब होने इतें ही बंद कर देगा। यानी बंदियां नूं चाहत रवे कि यार जे को बयान कर दे 10-20 मिनट, तो बड़ी गल है,
ਇਹ ਖਤਾਬਤ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਚੋਂ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸੁਫ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਜੋ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਇਹਦੀ ਤਾਬੀਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ਜ਼ਾਲਿਕੁਮ ਮਿੰਮਾ ਅਲਮਨੀ अटकल पचू नहीं लाना, नजूमिया ते काहिना दिया गल्ला नहीं, अंदाजे ते टेवे लगा करके कोई सचियां खो जान कोई झूठियां खो जान, ना ना ना, जेड़ी मैं तबीर ख्वाब दी दसांगा ذلكما مما علمني ربي ये मेरे रब ने मैनू सिखाई है। पक्की गल पक्की होनी है क्योंकि ये अंदर गलती का इस्तेमाल नहीं। क्यों जी? मेरे अल्लाह जिहड़ी मैनू सिखा रहे हैं ताबीर पक्की ते सच्ची होनी है, उंजी होके रहेगा। जिहड़ी ताबीर मैं दसांगा, समझ आई ना? ये नजूमिया दियां गल्लां नहीं, ये काहना दियां गल्लां नहीं। क्यों जी? ये टेवे लाने वालियां दियां गल्लां नहीं। ذلكما مما علم علم علمني ربي रब दी तरफो मेरे रब ने मैनू सिखाई है। वेख्या अकीदे की गल भी कर दी ना, नाल उन्हों का अकीदा भी दुरुस्त कर रहे ने। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। नाल कहंदे ने इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिल ला युमिनून बिल्लाह वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून। और उस कौम उन्हां लोगों मैं छोड़ चुकिया जेड़े अल्लाह ते ईमान नहीं लियांदे ते आखरत ते भी यकीन नहीं रखते। वाह, अपनी गल जिवें बंदा ना, लेकिन वाज जे वाज कमाल दर्जे दा वाज कीता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इधर वेखना ना, कहंदे ने टाइम थोड़ा ही लगेगा, बस खाना आन वाला है, खाना आन तो पहले पहले मैं तुहानू ख्वाब दी तबीर दस देंगा। ऐ वेखो मुबल्लिग आदमी, वाइज बंदा, खतीब आदमी, कोई मौका तबलीग दा खाली नहीं जान देंदा। ये दूसरा मौका है तबलीग लीग दा जिहड़ा हज़रत यूसुफ नूं मिलिया है। पहला मौका ओ सी, नाले ते दौड़े जांदे ने, नाले वाज करदे जांदे ने, قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون। ओ जनाब, पहला मौका सी, ये दूसरा मौका आ गया कि जनाब हाँ जी खाना आन तो पहले पहले दस देंगा। सामीन की तवज्जो अपनी तरफ रखना, ये खतीब वास्ते जरूरी असूल है। इस वास्ते ओ जनाब उन्होंने ये ना महसूस होवे, पता नहीं कितनी देर तक तबीर दसेगा, कितनी देर सानू वाज करेगा, महसूस ही नहीं हो रहा। लगता इंज जिवें खतीब अपनी दास्तान सुना पिया है, अपनी गल करता पाया वाज बिल्ला। पहले तरक फिर जनाब इस बात है, पहले ला अबुदू फिर मा तबुदून, पहले ला इलाहा फिर इल्लल्लाह, पहले इन्नी तरक तो मिल्लत कौमिल ला युमिनूना बिल्लाही वहुम बिल आखिरति हुम काफिरून।
अगे सतवां खुतबा आ गया सीरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा जिहदे अंदर तौहीद दा वाज़ शुरू है। हुण वाज़ करदे पए ने और वह वाज़ ऐसा बेमिसाल है कि किताबां लिखियां जाण मगर वह एक वाज़ जिहड़ा एक दो आयतां दा वह ही नहीं किधरे समेटिया जा सकदा।